नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे कचौड़ी। कचौड़ी आपको हर चैनल पे मिल जाएगी। कचौड़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हर घर में रोज बनाते हैं। पर आज आप पूरा वीडियो देखें, कचौड़ी तो हम बनाएंगे, साथ में एक और चीज़ बताएंगे कि आप बिना मैदे के और बिना फ्राई के भी कचौड़ी का टेस्ट ले सकते। तो कचौड़ी के लिए पहले तो हम लेंगे मैदा। ये 200 ग्राम के आसपास मैदा है। अगर घर में देखेंगे तो नॉर्मल दो छोटी कटोरी हमने मैदा लिया है। इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हाथों से क्रश करके डालिए। मैदे में हमेशा अजवाइन डालनी चाहिए, उससे गैस वगैरह नहीं बनती। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। यहाँ लेंगे हम घी। घी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, अंदर डालने के लिए वनस्पति भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप ले लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें इस तरीके से चेक करना चाहिए कि घी जो हमने डाला है वो परफेक्ट है कि नहीं। रिफाइंड ऑयल भी डालिए। कई लोग कचौड़ी तो सरसों के तेल में भी बनाते हैं, तो अंदर आप भले ही मोइन डाल दो घी का, फिर आप सरसों के में तेल में तल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपके घर में चलता है आप अपने हिसाब से करिए। हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। अब इसका मोयन देखिए, ये देखिए, ये जो इस तरीके से बाइंड हो रहा है ना, मतलब ये परफेक्ट। अब ये जो पानी है मेरे पास, इसे लेते हैं और गूंथते हैं इसको, आटा मैदे को, और इसको सॉफ्ट गूंथना है हमें, मतलब समोसे से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस डो को देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए मैं पंच मार रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कचौड़ी का खास तरीका है, जो डो है उसे हमें काफ़ी सॉफ्ट गूंथना होता है। 15-20 मिनट इसे रख लेते हैं, तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने मूंग दाल लिया है, जो येलो वाला मूंग दाल होता है। आप उड़द दाल की भी बनाइए, इसी तरीके से बनेगी, जो आपको पसंद हो। ये जो आधी कप होती है ना, मेजरिंग कप वाला आधा कप, और घर में इससे भी छोटी कटोरी, जो सबसे छोटी कटोरी होती है, मैंने वो दाल भिगाई है। करीब 2 घंटे पहले मैंने भिगा दी है, दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो गया, निकाल दिया हमने। अब इसे एक बार सिर्फ चलाएंगे, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए एक बार, फिर 10 सेकंड के लिए एक बार। तो ये दरदरी सी दाल हमें चाहिए पिसी हुई। यहाँ देखिए दाल को हमने कहने को पीसा है, लेकिन दाल देखिए पिसी हुई भी लग रही है, नहीं पिसी भी हुई लग रही है, जैसे साबुत भी दिख रहे हैं और पिसी हुई भी लग रही है। बिना पानी के आप इस तरीके से पीसिए, ये पहली बार में 10 सेकंड, दूसरी बार में 5-7 सेकंड, बस। अब हम बना रहे हैं इसकी फिलिंग। यहाँ डालेंगे करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत सूखी जो धनिया होती है उसे दरदरा कूट लिया है। गैस की फ्लेम स्लो रखें। यहाँ मैं डाल रही हूँ हींग। कचौड़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और घर में अगर स्ट्रॉन्ग वाला हींग हो तो वही डालें। ये देखिए जीरा, सौंफ और धनिया भुन रहा है। इसमें हम 3 चम्मच डाल रहे हैं बेसन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसन डालने से क्या होता है, जो दाल होती है ना उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता, और कम ऑयल में भी वो भुन जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए इस बेसन को भूनिए। जब तक बेसन भुन रहा है, दोनों टाइप के नमक ले लिए हैं, काला नमक और सादा नमक। थोड़ा सा लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने कश्मीरी लिए थोड़े ज़्यादा ले लिए, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये मसाले हम इस बेसन में डाल देंगे। बेसन और मसाले सब भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे ये दाल। हरा धनिया आप डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, पर अगर आप ये सब डालेंगे तो ये मसाला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कचौड़ी का मसाला जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है, जैसे आज कुछ कचौड़ियाँ बनाई, अगर मैं नहीं बना पा रही बाकी, तो मैं क्या करूँगी, इस मसाले को रख दूँगी फ्रिज में। आप 15 दिन बाद भी इस कचौड़ी का मसाला बना सकते हैं, पर धनिया अगर हरी मिर्ची डाल दी तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक,
अब स्लो फ्लेम पे इसे भूने, मिक्स करते जाइए और भूनते जाइए। यहाँ देखिए कचौड़ी का मसाला बहुत ही बढ़िया बन चुका है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। दाल भी देखिए परफेक्ट है, जैसी हमें कचौड़ी के लिए चाहिए होती है। यहाँ हम दो मसाले डालेंगे, ये है कसूरी मेथी और ये है पिसी चीनी। अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, पर हलवाई लोग डालते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टिप आपको दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मसाला कम है ज़्यादा है, आप तो बनाइए। एक तो घर में बैठ के मेहनत कर रहे हो, बना रहे हो, शुद्ध तरीके से बना रहे हो, तो फिर अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सारे घर वालों को। बिल्कुल नखरे नहीं चलेंगे इस वक्त, क्योंकि घर में बैठ के लेडीज़ सारे काम कर रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा खाने को दे रही हैं। अब गैस बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैं अभी इतना बनाने वाली हूँ, मैं हर बार थोड़ा सा हाथों से गीला करूँगी और एक लड्डू टाइप जो कचौड़ी में डालना है ना फिलिंग, वो हम बनाएंगे छोटा छोटा लड्डू टाइप। जितनी आपको बनानी है, और छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है, इससे क्या है आपको बांधने में दिक्कत नहीं आएगी। जो बिगनर्स है ना, वो नहीं बांध पाते, कचौड़ी की फिलिंग बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बांधने में दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस टाइप से लड्डू बनाने में। दाल जब काफ़ी हद तक ठंडी हो जाए तभी इसके लड्डू बनाएं, अपने हाथ ना जलाएं। 6 से 7 बॉल हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैदे को देख लेते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट है, करीब 7 हैं, इधर 4-5 बन जाएंगे, 11 से 12 इससे बन जाएंगी आपकी कचौड़ियाँ। यहाँ लेंगे हम ये मैदा, ये देखिए, इसे हाथों से ऐसे करेंगे, हल्का सा लगाएंगे पानी, यहाँ पर रखेंगे एक बॉल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस बॉल को ये अंगूठे से अंदर दबाना है, और ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसको पूरी तरीके से आपस में मिक्स कर देना है। यही है मेन कचौड़ी की बात। ये देखें, यहाँ आपने मिक्स तो कर दिया, अब हमें चाहिए कचौड़ी बिना जोड़ की। ये देखिए, ये लिया, ये चीज़ है ना, यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये हटा दीजिए। अब इस बॉल्स को यहाँ रखते जाइए, ये जो बचता है ना वो इसी में डालिए, हल्का सा पानी लगा दीजिए, ये बॉल रखिए। अब ये बॉल रखने से आप समझ गए ना कि आपकी फिलिंग बिखर नहीं रही है। अगर आप ऐसे चम्मच से डालते ना तो बिगनर्स तो बना नहीं पाते। कोशिश कीजिए बाहर का अभी फिलहाल कुछ ना खाइए, घर में जैसा भी बन रहा है बनाइए। अभी हम बॉल बना रहे हैं इस तरीके से, इसे प्रेस करेंगे। दूसरी साइड मैंने फ्लेम पे ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारी बना लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा मैदा डाल के दिखा रही हूँ, गरम होना शुरू हुआ है, लेकिन एकदम से धुआंधार गरम नहीं है। तो ऐसे में हमें डालनी है कचौड़ी, गैस की फ्लेम फुल है लेकिन गरम नहीं है ज़्यादा। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जहाँ मैंने जोड़ लगाया था ना, वो नीचे हमें रखना है और हिलाना नहीं है, इसे धीरे धीरे बनने दीजिए। और गैस की फ्लेम अब मैं थोड़ी सी कम कर देती हूँ, क्योंकि अब इसमें डल गई हैं, और भी मैं दो डाल दूँगी साइड से। यहाँ देखिए, ये अपने आप जैसे भी फ्राई होंगी अपने आप ऊपर आएंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। मीडियम फ्लेम रख दीजिए जब तक कि नीचे का हिस्सा पूरा पक न जाए। अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे ना कि आपको कहा गया था बिना मैदे के बिना फ्राई के, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो कचौड़ी बन गई सिंपल। पर हाँ, अभी हो गया इसका टाइम। ये लिया है मैंने गेहूं का आटा, नॉर्मल हम रोटी का आटा गूंथते ना वही है। इस रोटी में, रोटी के आटे में थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च भी हटा सकते हैं, वैसे अच्छा लगेगा, डाल दीजिए। थोड़ा सा लेंगे ऑयल, बहुत ज़रा सा।
एक मिनट हम कचौड़ी को देख लें पहले। अब देखिए, अब हम इन्हें पलटने जा रहे हैं। अब हमें काफ़ी देर, करीब 5-7 मिनट हो गए, अब हमें इसे पलटना चाहिए बहुत ही धीरे धीरे, केयरफुली। वापस इसे बार बार नहीं पलटना है, वही फ्लेम है, मीडियम फ्लेम, और हमें बनाना है। हाथों से आटे को थोड़ा बड़ा किया, हल्का सा यहाँ पे पानी लगा दिया। अब ये जो फिलिंग है ना, ये कचौड़ी वाली फिलिंग, अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, उसको इस तरीके से रखिए और इसे सब तरफ से बांध दीजिए। हाथों से पहले इसे दबाइए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लेंगे गेहूं का आटा, हाथों से पहले दबाना ज़रूरी है। अब इसे बेलिए। आपने कई टाइप के पराठे खाए होंगे, पर ये पराठा खाइए बहुत ही कम ऑयल में, धीरे धीरे हम सेकेंगे। आप देखना, आपके इस पराठे के आगे आपको लगेगा कि कचौड़ी भी नहीं खाई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खानी है कचौड़ी कोई बात नहीं, आप इसे इतना बढ़िया खस्ता कर सकते हैं और चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको पका के दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, हमने एक ही बार पलटी है, अब इसे वापस पलट लेते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, कि आपको फिलिंग कैसे डालनी है, कचौड़ी का मैदा कैसा होना चाहिए, और इसे हमें कितनी बार, बार बार नहीं पलटना है, और फ्लेम का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनेंगी। कभी कभी तो मन करता है, कोई तीज त्यौहार है, कचौड़ी बना लो, तो अब आपकी आराम से बनेगी। चाहे आपने कभी भी पहले नहीं बनाई हो, लेकिन गारंटी है आपकी ये कचौड़ी बिल्कुल नहीं टूटेगी, बस आपको ट्रिक्स को फॉलो करना। जब एक दफ़ा दोनों तरफ से सिक चुकी हैं और हमारी कढ़ाई भी फुल कचौड़ियों के साथ है, मतलब जितना ऑयल है सब में कचौड़ियाँ हैं, तो अब फ्लेम जो है ना डिवाइड हो रही है। यहाँ पर आप फ्लेम थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि एक तो कढ़ाई मोटी है और कचौड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो अब स्लो करेंगे तो ऑयली बनेंगे। अब थोड़ी फ्लेम मैंने बढ़ा दी है, अब ये सिकेंगी आराम से। यहाँ देखिए, ये परफेक्ट कलर है कचौड़ियों का, है ना, इसी कलर की कचौड़ियाँ पसंद आती हैं ना। और कोई सोडा वगैरह हमने नहीं डाली है, बहुत ही बढ़िया फूली हैं कचौड़ियाँ। इसको एक झारे में या किसी में भी रख दीजिए, इससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। यहाँ मैंने रखा है एक तवा, थोड़ा मोटा तवा है, नॉन स्टिक की भी लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। कोई बहुत फुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें फूला हुआ नहीं चाहिए पराठा, हमें क्रिस्पी चाहिए। और इस पराठे को आप चाय के साथ ज़रूर खाइए, तो यकीन मानेंगे, जिसे मन नहीं है ना कचौड़ी खाने का, मतलब कचौड़ी खाने का मन किसका नहीं करता, पर बस मैदा नहीं खाना है, या घी नहीं खाना है, या फ्राइड नहीं खाना है, तो आप ये बनाइए। अब हम इसे पलट लेते हैं। बस हल्का सा ब्रश से ऑयल लगाना है, उस तरफ से भी मैंने ऐसे ब्रश से ही लगाया था, और इसे इस तरीके से डालना है, और इसे फूलने नहीं देना है, हमें दबा दबा के इसे क्रिस्पी करना है। इस तरीके से मैंने कई पराठे डाले हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जब आपको टाइम मिले। हमारी प्लेलिस्ट पे भी देखिए, मैंने एक पालक का पराठा डाला है, एक सत्तू का पराठा डाला है, एक मैंने शायद पनीर का डाला है, और शायद एक आलू का डाला है, मुझे याद नहीं है। वो चार पराठे एक ही वीडियो में हैं, मटर का है सॉरी। तो जब आपको टाइम मिले वो पराठे देखिए। पराठे से क्या हो जाता है, अगर दही है साथ में तो हमारा खाना हो जाता है। एक मैंने मसाला खिचड़ी बनाई है, बहुत ही बढ़िया, लहसुन के साथ, वो भी आप देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी इसके नीचे। अब गैस की फ्लेम और स्लो कर देते हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह ये रोटी बन जाएगी कड़क, और कचौड़ी का मज़ा देगी। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी बात, फिलिंग बच जाए तो आप इस तरीके से बनाइए, बार बार कढ़ाई मत रखवाइए। आहा, बढ़िया, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से क्रिस्पी हुआ, लाल करना आपके ऊपर है, मुझे इसी तरीके से लाल पराठा पसंद है, और इस तरीके से बस, ये है बहुत ही बढ़िया पराठा।
अब आप कह सकेंगे कि कचौड़ी जो है बिना मैदे की और बिना तले। ये कचौड़ी भी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया फूली फूली कचौड़ी। और ये पराठा आप किसी भी चटनी के साथ खाइए, आलू की सब्जी के साथ खाइए, आज खाइए कल खाइए, कचौड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और फिलिंग को एयरटाइट डब्बे में डालकर रख दीजिए तो 15 दिन तक इस फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कचौड़ी तैयार हुई है। ये देखिए इसी तरीके से तो चाहिए होती है हमें कचौड़ी। और अब ये आपको बहुत पसंद आएगी खाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।